सलाम प्रणाम खमा घनी सा कहिए, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। और आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपको निश्चित रूप से एक नए बदलाव के लिए जरूर जरूर प्रेरित करेगी। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सा एक तालाब था जो कि 10-12 फीट भी गहरा होगा। और उस तालाब में बहुत सारे पानी के जीव जंतु रहते थे, पेड़ पौधे भी थे। और उस तालाब के तले में एक कीड़ों की कॉलोनी थी। और वो जो छोटे छोटे कीड़े वहां पर जो रहते थे वो कई बार पौधों के सहारे सहारे ऊपर पानी तक आ जाते थे। और फिर क्या होता था कि वो एक बार जब ऊपर चले जाते थे तो वो वापस कभी नहीं आते थे। तो ये बात काफी सारे कीड़ों ने महसूस की, तो इस बात से वो काफी परेशान रहने लगे। और इसीलिए उन सभी ने एक मीटिंग बुलाई। और मीटिंग बुलाई तो वहां पर कोई ना कोई लीडर तो जरूर होगा। तो कीड़ों का एक लीडर था, उसने कहा, भाइयों और बहनों, ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे सामने खड़ी है कि हमारे बहुत सारे भाई बंद हैं जो पौधों के सहारे कहीं ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। और हमारे सबके दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर ऐसा ऊपर होता क्या है। कोई हमें बताता ही नहीं है ऊपर जाने के बाद कि आखिर ऊपर उनके साथ क्या हुआ। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब से ये हम सभी साथियों की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि अगर हम में से कोई भी ऊपर जाता है तो उसे नीचे लौटकर जरूर आना होगा और हम सभी को क्या होता है ऊपर इस बारे में जरूर बताना होगा। तो एज अ लीडर मैं ही इस चीज की शुरुआत करता हूँ और मैं आप सभी की शुभकामनाओं के साथ ऊपर की ओर प्रस्थान करता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा और आप सभी को ये बात मैं जरूर बताऊंगा कि ऊपर की आखिर कहानी क्या है। तो भाई सबसे पहले जो लीडर कीड़ा था उसने अगले दिन ऊपर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। उसने एक पौधे का सहारा लिया और उसकी टहनी के सहारे सहारे उसके वो ऊपर पहुंच गया। अब जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो उसको जो उसने नजारा देखा वो उससे पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हो गया। मतलब वो एकदम अभिभूत हो गया ऊपर के नजारे से। तालाब के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कमल के फूल खिले हुए थे और बहुत सारे जो कमल के पत्ते थे वो पानी के ऊपर तैर रहे थे। और जो सूरज की किरणें थी वो चमचमा रही थी। और बाहर इतनी ग्रीनरी, इतने सुंदर सुंदर पक्षी, उन सबको देख कर वो पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हो गया और वो जाकर एक कमल के पत्ते के ऊपर बैठ गया। और बस वो उस नजारे को देखता रहा। उसे बड़ा मजा आ रहा था। और जो सूरज की किरणें थी से धीरे धीरे वो जो कीड़ा है वो पूरी तरह से सूख गया। अब थोड़ी देर के बाद उसे अपने बदन में खारिश सी महसूस होने लगी, उसे खुजली जैसा महसूस होने लगा। और उसके जो बदन के जो अंग थे वो थोड़े बहुत हिलने डुलने लगे और वो भी उनके साथ हिलने डुलने लगा। और क्या देखता है कि धीरे धीरे उसके जो पंख हैं वो उगने लगे और वो पंख निकल आए उसके और वो पंखों को फड़फड़ाने लगा। और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो थोड़ा थोड़ा पत्ते के ऊपर उड़ने लगा और उसे बड़ा मजा आने लगा। वो थोड़ा ऊपर आ जाता उड़ के और फिर पत्ते के ऊपर बैठ जाता, फिर उड़कर जाता, फिर पत्ते के ऊपर बैठ जाता। और थोड़ी ही देर में वो आसमान की तरफ उड़ने लगा और फिर आसमान में उड़कर एक चक्कर लगाकर वो वापस उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ जाता। उसे बड़ा मजा आ रहा था। ऐसे करते करते शाम ढलने लग गई, रात हो गई और फिर उसने एक पत्ता देखकर वो उस पत्ते पे सो गया। अब जब वो सुबह उठा फिर वही सिलसिला चालू। उसको बड़ा मजा आने लग गया। वो फिर ऊपर उड़ता, फिर पत्ते के ऊपर बैठ जाता, फिर पूरा चक्कर लगा कर आता, फिर थोड़ी देर बाद पत्ते के ऊपर बैठ जाता। तो बड़ा मजा आ रहा था। अब मजा लेते लेते अचानक उसे याद आया कि मैंने अपने साथियों से वादा किया था कि मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा और अपने सभी साथियों को ये जरूर बताऊंगा कि ऊपर कितना खूबसूरत दृश्य होता है। ये जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है मैं जरूर जाकर अपने साथियों को बताना चाहूंगा। तो वो मानस बना लेता है कि अब उसको लौट कर जाना है।
अब वो जैसे ही लौट के जाने की कोशिश करता है, अपने बदन को पानी से लगाता है, उसे ऐसा लगता है कि वो डूब के मर जाएगा। उसे बड़ा डर लगने लगता है, वो एकदम से फिसलने को लगता है नीचे को, और वो एकदम से वापस ऊपर उड़ जाता है। ऐसे कई बार वो प्रयास करता है पानी के अंदर जाने के, और वो अपने साथियों को देख भी रहा होता है, और उसके मन में बहुत उत्सुकता होती है कि वो जाकर उनको बताए। लेकिन जैसे ही वो पानी से अपने शरीर को लगाता है, उसे ऐसा लगता है कि बस वो अब मर जाएगा, और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो नीचे नहीं जा पाता है। तो देखते ही देखते एक छोटा सा कीड़ा जो होता है वो ब्यूटीफुल ड्रैगन फ्लाई में कन्वर्ट हो चुका होता है, और अब वो चाहकर फिर से अपनी कीड़ों की दुनिया में वापसी नहीं कर सकता है। तो ये जो पूरा सफर होता है उसका, कीड़े से ड्रैगन फ्लाई बनने का, उस दौरान उसे 4 रियलाइजेशंस होते हैं, जो आपके और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। और ये 4 रियलाइजेशंस क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। पहला रियलाइजेशन उसको ये होता है कि अगर मैं ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता, अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाता, तो मैं जिंदगी भर एक कीड़ा ही बनकर रहता और कीड़ा ही बनकर मर जाता, और ये जो मैं ड्रैगन फ्लाई बना हूँ वो मैं कभी नहीं बन पाता, और ये जो बाहर की दुनिया, खूबसूरत दुनिया में देख पा रहा हूँ वो मैं कभी भी नहीं देख पाता। तो आपका एक डिसीजन, आपका एक बर्निंग डिजायर आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। दूसरा रियलाइजेशन उसको ये हुआ कि असली रूपांतरण तभी होता है जब अगर आप अपने पास्ट में झांक कर देखें तो आपको ऐसा लगे ही नहीं कि आप वो थे। मतलब आप कभी ऐसा महसूस ही नहीं करें कि आप भी कभी वो हो सकते थे। तो वही रूपांतरण होता है, और आप चाहकर भी वापसी नहीं कर सकते, यानी उस नीचे स्तर पर आप फिर से कभी नहीं गिर सकते। तीसरा रियलाइजेशन ये होता है कि हर ट्रांसफॉर्मेशन की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। आपके बहुत सारे साथी होते हैं, आपके बहुत सारे नजदीकी लोग होते हैं, वो छूट जाते हैं। आप जरूर देखिएगा कि ऐसा होता है कि जब हम अपने स्तर से ऊपर उठते हैं तो हमारे जो साथी होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और उसका कारण ये होता है कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम बिल्कुल बदल चुके हैं, हमारा व्यवहार बदल चुका है, हमारे जीने का जो अंदाज है वो बदल चुका है, और वो पूरा जोर लगाते हैं हमें नीचे खींचने का, अपने स्तर पर लाने का, और जब वो उसमें विफल हो जाते हैं तो वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें अपने जीवन से निष्कासित कर देते हैं। या तो ये हो सकता है कि वो हमारे स्तर तक वापस ऊपर उठ जाएं और हमारे साथ आ जाएं, और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम किसी को अपना हाथ दे सके ताकि वो ऊपर उठ सके। चौथा रियलाइजेशन ये होता है कि इंसान को कभी भी अपने हौसलों पर शक नहीं करना चाहिए, और अपने हौसलों की उड़ान भरते रहना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी से हम बहुत सारी जिंदगियों को इंस्पायर कर पाएं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी, इस कहानी के जो 4 रियलाइजेशंस थे उन्होंने आपके दिल को कहीं ना कहीं अगर छुआ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ, सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। तब तक आप अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।